तो दोस्तों अगर आप Redmi का मोबाइल यूज करते हैं और आपके डिवाइस में जो कंट्रोल पैनल है अभी भी यहाँ पे पुराना वाला शो हो रहा है, जो नया वाला कंट्रोल पैनल होता है ये देख सकते हैं, ये नया वाला आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा, काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। और पुराना वाला जो कंट्रोल पैनल होता है नीचे में आप देख सकते हैं इस प्रकार से छिप जाता है। तो दोस्तों अगर अभी भी आप यहाँ पे पुराना वाला कंट्रोल पैनल यूज कर रहे हैं और आपके डिवाइस में अभी तक इस प्रकार का नया कंट्रोल पैनल नहीं मिला है, तो कैसे आप अपने डिवाइस में नए वाले कंट्रोल पैनल को इनेबल कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास जो डिवाइस है Redmi Note 10 डिवाइस है और इस डिवाइस में आपको नया वाला कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। और ये डिवाइस के बारे में बात करें तो ये डिवाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास है Redmi Note 10 Pro और इस डिवाइस में अगर आप यहाँ पे देखेगा तो आपको यहाँ पे पुराना वाला कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। तो नए वाले कंट्रोल पैनल को इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एप्स वाले ऑप्शन में। एप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है मैनेज एप्स में और मैनेज एप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में जाना है और सर्च में आपको जाने के बाद यहाँ पे लिखना है सिस्टम यूआई प्लगइन। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, सिस्टम यूआई प्लगइन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास कोई भी अपडेट आया है तो उसको आपको अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है। साथ में यहाँ पे क्लियर डाटा वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आप टैप करें, टैप करने में सबसे पहले इसका क्लियर कैच कर दें, देन इसका क्लियर ऑल डाटा कर ले, ये प्रोसेस आप यहाँ पे कंप्लीट कर ले। ये प्रोसेस जब आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने बाद सिस्टम यूआई प्लगइन का एक नया अपडेट मैं आपको एपीके दूंगा तो उसको आपको अपडेट कर लेना है। ये देख सकते हैं वर्सन आपको मैं दिखा देता हूँ, जो वर्सन आपको यहाँ पे शो होगा 13.1.1.90.0 ये वर्सन आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। चलिए मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है और अपडेट होने के बाद अब आप यहां पे देखिएगा तो जो आपको यहां पे कंट्रोल पैनल पुराना वाला मिल रहा था अब आपको यहां पे नया वाला कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा। देख सकते हैं नया वाला यहां पे कंट्रोल पैनल आ चुका है। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों कि ये जो कंट्रोल पैनल का एपीके कैसे आप यहां पे अपडेट कर सकते हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप वहां पे ज्वाइन कर ले, इसका एपीके फाइल वहां पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।